हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्ड का सीरीज का ही हमारा वीडियो है यहाँ पर। ओके और कंप्यूटर हार्ड की सीरीज की इस वीडियो के अंदर बेसिक नॉलेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत कुछ मैंने समझा दिया है। ओके तो हम पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्लाज्मा OLED और फिर उसके बाद हमने समझा था 4K डिस्प्ले क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है यहाँ पर। और मैं समझा था प्रोजेक्शन, समझाया था मैं आपको प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है, CRT मॉनिटर, LCD DLP मॉनिटर क्या होता है। हमने जो वीडियो स्टॉप कर दिया था LCD प्रोजेक्टर सिस्टम से, तो LCD प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पर और किस तरह से ये काम करता है। तो सेकंड देख सकती हूँ LCD प्रोजेक्टर सिस्टम। So let's start. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट लिखोगी तो आपको इस तरह से मेरा चैनल मिलेगा और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल तक पहुँच सकती हो यहाँ पर। ओके तो इससे आपको और यहाँ पर दूसरी तरह चैनल है हमारा। मेरी जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर नए नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझ देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके तो जस्ट एस CRT टेलीविजन हैव नाउ लार्जली बीइंग रिप्लेस्ड बाय LCD सेट्स। तो बात की जाती है कि CRT टेक्नोलॉजी जो थी, CRT मॉनिटर जो थे बड़े बड़े यहाँ पर इस तरह से मॉनिटर जो थे, इसकी टेक्नोलॉजी थी इस तरह की। तो ज़्यादातर मैंने आपको समझा दिया था इस वीडियो के बारे में। ओके इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन्स आती थी यहाँ पर, किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये यूज़ होता है यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी, वो वीडियो जाकर आप देख ले। तो यहाँ पर LCD टेक्नोलॉजी आई। LCD टेक्नोलॉजी मैंने आपको कहा था क्या है, और उसके ऊपर से CRT प्रोजेक्शन हैव ग्रेजुअली गॉन द सेम वे। जिस तरह से CRT मॉनिटर का रिप्लेसमेंट होकर LCD टेक्नोलॉजी मॉनिटर आया, उसी तरह से प्रोजेक्टर सिस्टम के अंदर भी उसी तरह से LCD सिस्टम ने, LCD टेक्नोलॉजी ने प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर CRT प्रोजेक्शन को हटाकर LCD प्रोजेक्शन सिस्टम आ गया। एग्जैक्टली सेम रीजन है यहाँ पर कि LCD स्क्रीन और स्मॉलर, लाइटर, चीपर, मोर रिलायबल एंड यूज मच लेस पावर देन CRT। तो CRT मॉनिटर से बहुत ही कम पावर ये यूज होता है, बहुत ही छोटा है ये, लाइटर है मतलब ज़्यादा लाइट देता है, चीपर है और रिलायबल है यहाँ पर। ओके तो इससे क्या होता है कि CRT मॉनिटर के थ्रू ही उसके जैसा ही यहाँ पर ये, यहाँ पर आप देख सकते हो कि LCD प्रोजेक्शन सिस्टम। अब ये किस तरह से काम करता है, ये प्रोजेक्टर यहाँ पर आपके सामने है, ये प्रोजेक्टर है यहाँ पर। ओके ध्यान से देखिए कि इसका ये बॉडी है, ये ऊपर का ये बॉडी है और ये नीचे का। हम देखते हैं पहले LCD कहाँ है, जैसे तो कि बीच में ये LCD है यहाँ पर। ओके यहाँ पर लिखा है LCD स्क्रीन, LCD के सिस्टम तो है, लेकिन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए प्रोजेक्टर सिस्टम में। मैंने कहा था कि प्रोजेक्टर सिस्टम को हमेशा लेजर के थ्रू ही काम करता है यहाँ पर, लेजर की तरह ही काम करता है, क्योंकि उसका जो जितना भी पिक्चर्स होता है वो हमें दीवार हो या कोई हम दीवार के ऊपर कोई पर्दा हो उसके ऊपर हम रखते हैं यहाँ पर, या तो कोई कांच हो उसके ऊपर हम क्या करते हैं उसको रख कर देखते हैं यहाँ पर, उसको यहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, देख सकते हो कि पीछे एक ब्राइट वाइट यहाँ पर लैंप बल्ब रखा है यहाँ पर, मतलब इसको जो भी आप दिखते हो उसको बीम करता है, मतलब इसके फोकस करके इसको आगे ले जाता है यहाँ पर। ओके
और एलसीडी के ऊपर, ये एलसीडी स्क्रीन के ऊपर ये जो पिक्चर्स है, जो ये मूवीज हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी चीज हो, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए या तो फिर इसको दिखाने के लिए जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, और इसके आगे लेंस होता है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इसके पिक्चर्स आएंगे, जितने भी इसका यहाँ पर इसका फोकस आएगा वो लेंस पर पड़ेगा, और लेंस इतना पावरफुल होता है, इसको इस तरह से बनाया गया होता है कि वो इस जितने भी इसकी जो फोकस आए वो पिक्चर्स है उसको 8 गुना बना देगा और ज़्यादा, और इसको स्प्रे करेगा। लेकिन बात ये आती है कि जो चीज़ पीछे लैम्प होती है, जिसके ऊपर पीछे जो ब्राइटनेस इतनी बढ़ाते हैं यहाँ पर उसके ऊपर, तो सीधी ही बात है कि वो गर्म होगा। तो इसको गर्म को ठंडा रखने के लिए क्या होता है, एक कूलिंग फैन होता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर पीछे कूलिंग फैन है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इन एलसीडी टीवीज प्रोजेक्टर्स अ वेरी ब्राइट लाइट शाइन थ्रू अ स्मॉल एलसीडी स्क्रीन इनटू अ लेंस। तो एलसीडी टीवी प्रोजेक्टर ऐसा वेरी ब्राइट लाइट, मतलब बहुत ज्यादा उसके पीछे लाइट लगी हुई थी, बहुत ही पावरफुल लाइट होती है यहाँ पर, उसको शाइन करता है, मतलब इसको चमकाता है, मतलब और उस स्क्रीन को, चमकती हुई स्क्रीन को पीछे, उसको आगे एक लेंस होता है यहाँ पर, उस लेंस के ऊपर जाने से वो लेंस जो है पावरफुल तरीके से आगे भेजता है यहाँ पर, विच थ्रू हाईली मैग्निफाई इमेज ऑफ स्क्रीन ऑन टू द वॉल। तो ऐसा इसको थ्रो करके बनाया जाता है यहाँ पर, इसको मैग्निफाई करके बनाया जाता है इमेज को, कि वो स्क्रीन जो है बहुत ही, हमें जब हम वॉल के ऊपर, मतलब हम दीवार के ऊपर देखते हैं तो वो इमेज जो है पावरफुल हमें दिखाई दे, इसलिए लेंस को इस तरह से बनाया गया होता है। द टेक्नोलॉजी इज सम टाइम कॉल्ड LCLV, लिक्विड क्रिस्टल लाइट वॉल कहता है यहाँ पर। मतलब लिक्विड क्रिस्टल है तो कहाँ पर है, इस एलसीडी के अंदर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिक्विड क्रिस्टल का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर हमें शो करता है पिक्चर। पीछे से जो ब्राइट व्हाइट बल्ब होता है, मतलब एक स्पेशल फोकस करने वाला एक बल्ब होता है, इसके फोकस से अंदर से एलसीडी से बाहर निकलता है वो पिक्चर, वो लेंस पर आता है, और लेंस पर आने से वो फिर से वो हमारे जो दीवार पर, वॉल पर है, वो हमें एक प्रोजेक्शन सिस्टम के थ्रू हमें दिखाता है, बताता है कि ये पिक्चर किस तरह की, और यहाँ पर वीडियो हो या पिक्चर्स हो कोई भी हो, वो हमें बताता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर टॉप केस और ये एलसीडी प्रोजेक्शन सिस्टम इस तरह से काम करता है। बात कर लेते हैं कि वो हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए कि ये नॉर्मली ये प्रोजेक्शन सिस्टम नहीं है, ये एक डिजिटल सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई फिल्म लगाने की ज़रूरत है, और ना ही कोई इसके अंदर कोई हमें स्पेशली कोई नया इक्विपमेंट एंटर करने की ज़रूरत है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो लेजर पेंट की तरह बताया यहाँ पर, देख सकते हो। तो आप इसके साथ लैपटॉप भी जोड़ सकते हो, मोबाइल को भी जोड़ सकते हो, उसके अंदर से भी आप यहाँ पर इसके अंदर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो बात करते हैं प्रोजेक्शन सिस्टम, यहाँ मैंने समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, मैंने कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो प्रोजेक्शन स्क्रीन है यहाँ पर। ओके, चाहे कि इस तरह से बोर्ड बना कर भी वाट करके आप सेट कर सकते हो, या तो भी आपका, आपकी कोई दीवार है, वॉल है, उसके ऊपर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब ये मान लो कि ये लेजर पेन की तरह ही काम करता है यहाँ पर, जैसे कि हम लेजर पेन के ऊपर जो सेट करते हैं, उसकी तरह से भी आप यहाँ पर इस तरह से क्या है उसको मैप कर सकते हो। प्रोजेक्शन सिस्टम का जो जो लेंस है यहाँ पर, उसको इस तरह से सेट करना होता है कि चारों तरफ सभी पिक्चर एक साथ सेट हो। अगर वॉल है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई बोर्ड है वाइट कलर का, जितना होगा बैकग्राउंड में वाइट उतना अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से इसको सेटअप किया जाता है। और ऐसे प्रोजेक्टर सिस्टम जो होता है लेजर पेन के, उसके पिक्सल जो टूल्स आते हैं, उसको क्या कर सकते हो, आप इसको मूव भी करा सकते हो, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिगर वन, यहाँ पर जो स्कीमिक डायग्राम बताया यहाँ पर, इसका प्रपोजल क्या है, इसका मतलब एक ही है कि ये प्रोजेक्टर सिस्टम, जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर सिस्टम आ गया, प्रोजेक्टर आ गया यहाँ पर, तो
ये प्रोजेक्टर्स बहुत ही एडवांस हो गए, दैट मीन्स इसके ऊपर कंप्यूटर भी आ गया। तो ऐसे में ये फिल्म की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने कहा कि जो हमारी फिल्म होती है पुराने टाइम के अंदर इस तरह से प्रोजेक्टर सिस्टम से ही, जो पहला टेलीविजन आया, जो पहला टेलीविजन सिस्टम आया जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े टीवी होते, सीआरटी मॉनिटर की टीवी, वो प्रोजेक्टर सिस्टम के बाद आया। लेकिन पहला जो हमारी मूवीज जो थी हम देखते थे सब सिनेमा घर घर के अंदर, सिनेमा के हॉल के अंदर, उसके अंदर भी इस तरह से यहाँ पर ये सेट होता था यहाँ पर। ओके, तो प्रोजेक्टर सिस्टम के अंदर जो न्यू प्रोजेक्टर सिस्टम आया, तो ये जो है डीएलपी है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एलसीडी की बात भी चल रही है। तो पहले जो प्रोजेक्टर सिस्टम इस तरह से आते थे यहाँ पर, उसके अंदर रील चाहिए होती थी यहाँ पर। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे सिस्टम के, जो हमारे डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन मोड जो होता है इसका क्लिक, पेज ट्यूनिंग और राइट कर सकते हो यहाँ पर। माउस मोड भी होता था इसके अंदर, क्योंकि हमारे लैपटॉप के साथ हम माउस कनेक्ट कर दें तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से सेट कर सकते हैं इसको, उसका कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम लैपटॉप को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन कंट्रोल होगी। फिर हम डबल क्लिक, ड्रैग, ड्रॉ, जूमिंग, जिस तरह से हम इस हमारे जो कंप्यूटर की इस एलसीडी के अंदर हम करते नॉर्मली जो कंप्यूटर के अंदर काम, रोटेशन कर सकते हो, सिंगल लेजर पेन से भी कर सकते हो। बहुत ही एडवांस लेवल का ये सिस्टम होता है यहाँ पर, कोई सिंपल नहीं होता। टच मोड भी होता है यहाँ पर कभी कभी, मूव क्लिक, डबल क्लिक वगैरह, ड्रैग भी होता है यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एलसीडी प्रोजेक्टर सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंदर पिक्चर की क्लैरिटी भी अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पर डीएलपी की बात करूँगा तो डीएलपी और एलसीडी प्रोजेक्टर में क्या होता है वो मैं डीएलपी वीडियो के अंदर बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो किस तरह से होता है, हम कि डीएलपी को आज बहुत ही डिमांड बढ़ चुकी है यहाँ पर, एलसीडी प्रोजेक्टर सिस्टम। और इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप मैंने समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर, मैंने नेटवर्क की भी सीरीज ये वीडियो बना कर रखा हुआ है, नेटवर्क की सीरीज के अंदर नेटवर्क कंप्यूटर का क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम होती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप ये बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब प्लीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नाउ का सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर पहला ही इस तरह का आपको आइकॉन मिलेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके सामने इस तरह से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए नए वीडियोस को और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो कि पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझ देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, बात कर लेते हैं वीडियोज़ की। तो मेरे सारे बहुत सारे
आपको थोड़ा सा को सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो मैं आपको बताऊंगा ओके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर मैं आपको मतलब समझ देना चाहता हूँ ओके। फिर यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते रहोगे तो साइट पर आपको यहाँ पर एक नोटबुक लेकर आपको नोट डाउन करना होगा किस तरह से काम होता है यहाँ पर, किस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट एंड इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो कि वेबसाइट के लिए कुछ आपको समझना चाहिए तो सब कुछ मैंने आपको समझा कर रखा हुआ। आपको जीमेल के बारे में है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कुछ फेसबुक के बारे में वीडियो है यहाँ पर बहुत। तो फ्रेंड्स क्या है जीमेल? ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि हर सिस्टम को मैंने अलग अलग करके रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल पैनल्स के भी वो बना रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं यहाँ पर, बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती ही है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखें यहाँ पर चैनल में आके, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बेसिक कंप्यूटर अब आप सीखना चाहते हो कि एडवांस लेवल के अंदर क्या आपको सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया यहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट किस तरह से चलता है, इंटरनेट के डेटा किस तरह से जाते हैं यहाँ पर, किस तरह से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होता है यहाँ पर, इन सभी वीडियो की मैंने पार्ट बनाकर रखी हुई है। आप वन बाय वन पार्ट देखे और साथ ही साथ आप नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करके आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको और एडवांस के अंदर आप चाहते हो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सभी वीडियो के इन सभी यहाँ पर कोर्सेस आप करते हो तो बहुत सारे लोग अपने तरीके से पैसे लेते हैं यहाँ पर, और कुछ तो लोगों का फ्रेंड्स अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता और ना ही उनको डिटेल्स में समझाया जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीज बताई हुई है, प्रैक्टिकल ज्यादा डिटेल में और एडवांस लेवल पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर।